जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, अटल आवासीय विद्यालय के एक और अपडेट है। जब मैंने जैसे कहा था कि अन्य जगह के जब फॉर्म निकलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो आज एक और जगह का फॉर्म निकला है। इसके पहले बच्चों बताना चाहूँगा कि अगर आपके भाई बहन हैं जो कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए, इस बार का तो एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आपके दोस्त हों, भाई बहन हो, रिश्तेदार हों, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है बच्चों, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लगभग 3,000 बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं जो कि फ्री तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है मेरे चैनल पर सब कुछ फ्री है, कोई भी कोर्स मैं बेचता नहीं हूँ, ठीक है। और बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि अटल आवासीय विद्यालय को लेके कुछ लोग सवाल अलग से पूछ रहे हैं, तो आपसे जो भी नए लोग देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा अटल आवासीय विद्यालय के मेरे चैनल पर, और उसमें पुराने वीडियोस देख लीजिएगा कि सवाल किस तरह के आने वाले हैं, क्या पैटर्न है, तो पूरा पूरा नवोदय का ही पैटर्न है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए इसमें देखें हम लोग ये कहाँ का निकला है, तो ये देखिए लखनऊ का निकला है बच्चों, ठीक है। तो आपको मैं स्कूल की लोकेशन भी बता दे रहा हूँ, ठीक है, आज से मिलेंगे फॉर्म, ठीक है, अटल आवासीय विद्यालय के लिए। अपर जिलाधिकारी लखनऊ हिमांशु कुमार गुप्ता ने बताया कि अटल आवासीय विद्यालय समिति की तरफ से अटल आवासीय विद्यालय सिठौली कला मोहनलालगंज लखनऊ, ठीक है, तो ये देखिए जगह आपको पता चल गई कि किस जगह ये विद्यालय बना हुआ है। लखनऊ में प्रवेश के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र ऑफलाइन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन ये बच्चों ऑफलाइन है, मतलब आपको जाके फॉर्म लेना होगा, फिर भर के जमा करना होगा, एकदम निःशुल्क है, कोई पैसे नहीं लगना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको देखिए जो लास्ट डेट है कब है, 27 मई शाम के 5 बजे तक, ठीक है, लास्ट डेट है। इसके बाद है आवेदन पत्र किसी भी सामान्य कार्य दिवस में, मतलब सुबह के 8 बजे से शाम के 5 बजे तक 27 मई तक संबंधित जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी, कहाँ मिलेगा फॉर्म, जिला प्रोबेशन अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी जो बेस से होते हैं, तथा जनपद के श्रम विभाग कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये आपको खुद से पता करना होगा। जैसे ही देखिए लखनऊ का निकला है तो आप क्या करेंगे कि ज़्यादा नहीं, आप 5 तारीख या 6 तारीख के बाद जाइए, और क्योंकि डेट देखिए 27 मई तक है, तो मान के चलिए सब जगह 25, 27, 28 तक डेट होगी, ठीक है। तो आप अपने ये मत पूछेगा सर हमारे बलिया का कब निकलेगा, जौनपुर का कब निकलेगा, आप वहाँ पर जाइए 6-7 तारीख तक, और वहाँ से फॉर्म आपको इन जो अधिकारियों का नाम बताए हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप फॉर्म प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। और इसमें है पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र समस्त संलग्नों सहित 27 मई शाम 5 बजे तक अपने श्रम विभाग कार्यालय में जमा किए जाएंगे। इसके लिए बच्चों एक इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पिताजी का या माताजी का जो श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो भी 3 वर्ष जिनका पूर्ण हो चुका हो, तो आप लेकिन इसकी क्लैरिटी के लिए आप चले जाइएगा। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके 6 ही महीने हुए हैं, इस वजह से वो भर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि गाइडलाइन बाद में आए, अगर फॉर्म कम डलते हैं तो आपको एक बार जानकारी वहाँ जाकर अवश्य ले लीजिए। उम्मीदवार 10 से 13 वर्ष आयु का होना चाहिए, अर्थात उनका जन्म 1 मई 2010 से पहले तथा 30 मई 2013 जिसमें उक्त तिथियां शामिल, दोनों डेट को शामिल किया गया है, के बीच में होना चाहिए, ठीक है, के बाद, इसमें 30 अप्रैल के बाद नहीं होना चाहिए 2013 का, और इसके पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपर जिलाधिकारी लखनऊ ने बताया कि परीक्षा 11 जून, अभी देखिए मैंने वहाँ का दिखाया था आपको अयोध्या का कल परसों, तो वहाँ कितने तारीख को थी, 7 तारीख की थी, और वाराणसी में मेरे ख्याल से 26 इसी महीने में है, ठीक है। तो देखिए अलग अलग जो मंडल हैं अलग अलग डेट में करवा रहे हैं, ठीक है, और आपका मंडल कौन सा है आप उस हिसाब से वहाँ की विज्ञप्ति देख लीजिएगा। तो इनका देखिए जो परीक्षा है वो 11 जून को होने जा रही है, और देखिए कुल मिला के बच्चों ये बताना चाहूँगा, जिन भी बच्चों का एडमिशन होगा जुलाई से उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और 6 से 12 तक आप लोग एकदम फ्री पढ़ने वाले हैं, रहना खाना पीना बेहतरीन स्कूल बनाया है हमारे सरकार ने, ठीक है। अब देखिए परीक्षा का समय उन्होंने दिया है 11 बजे से 1 बजे तक, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि पेपर का पैटर्न भी बताया हुआ है कि 2 घंटे का पेपर होगा, कैसे सवाल आएंगे मैंने बताया हुआ, जो दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए 40 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे। तो बच्चों ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट, थैंक यू।